हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर ये दो डेक मैं यूज़ करूँगी आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने के लिए, अभी इस वक्त उनकी क्या एनर्जी है, आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, और उसके बाद हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम देखेंगे करंट एनर्जीज आपके पर्सन की, अभी इस वक्त आपके पर्सन किस एनर्जी में हैं और आज लाइट नहीं है, कटी हुई है। होप कि आ जाए रीडिंग के दौरान ही। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ कैसी एनर्जीज़ में हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन, प्लीज़ गाइड करें। ओके, और कोई कार्ड आना चाहता है तो आ जाए। बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ वाटर। इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस। फर्स्ट थ्री कार्ड्स वी हैव टू ऑफ कप्स, यूनियन एनर्जी है। देन वी हैव लव, गजब की एनर्जी है। एंड वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स, गॉडेस ऑफ फायर। टेन ऑफ एयर, एट ऑफ फायर। किसे किसे मैसेजेस आ चुके हैं, जिन्हें मैसेजेस आ चुके हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। आपके एक मैसेज से, कमेंट से कुछ लोगों को होप्स मिलती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे आके मैसेज करते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में बताया करें। नाइन ऑफ फायर, भले अपना नाम चेंज कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना नाम शो नहीं करना चाहते। यू कैन हाइड योर नेम, यू कैन पुट एनी अदर नेम, लाइक कई लोग अलग नाम से अपना बनाते हैं, बट कमेंट्स में बताया कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, मैं रिव्यू तो डालती नहीं हूँ, तो कमेंट आप मुझे व्हाट्सएप पे कितने भी लोग, वाह क्या बात है, देखिए जय हो माँ लक्ष्मी, मैं जैसे ही बोली मैं रिव्यू नहीं डालती, वैसे ही लाइट आ गई। एक्चुअली होता क्या है कि मैं कभी भी रिव्यू नहीं डालती, और इसलिए नहीं डालती क्योंकि मुझे क्लाइंट्स की प्राइवेसी बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। तो आप लोग प्लीज़ अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में दे दिया करें, क्योंकि आपकी एक कमेंट से काफ़ी लोगों को होप्स मिलती हैं। काफ़ी लोग जो टूट रहे होते हैं उनको एक होता है ना कि डूबते को बूंद भर पानी भी सहारा दे देता है, प्यासे को, तो वैसे ही काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें होप मिलती है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सबका हो रहा है मेरा भी होगा। और हाँ एक बात और, कि कभी भी नेवर बी कोडिपेंडेंट। आप वेट कर रहे हैं ठीक है, आपको होप है अच्छी बात है, बट कभी भी किसी पे इतना रिलाय मत करिए लाइफ में कि अगर वो आपके लाइफ से निकल जाए या वो आपको धोखा दे या वो आपसे बैकआउट करे तो आप कहीं के ना रहें। नो, ऑलवेज स्टैंड ऑन योर लेग्स। भगवान ने आपको दो पैर दिए हैं, क्यों दिए हैं, इसीलिए दिए हैं कि आप स्वयं से खड़े हों, ठीक है। आपके पास दो हाथ हैं, आप खुद से क्रिएट करें। आपके पास अपना दिमाग है किसी और के दिमाग से ना चलने के लिए। सो भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, सो ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट, नेवर बी कोडिपेंडेंट, ठीक। सो आप शुरू करते हैं रीडिंग। यहाँ पर जो एनर्जी है गाइस, साइन सभी हैं, यहाँ वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, फायर बहुत स्ट्रांग है, देन थर्ड नंबर पे एयर है। यहाँ पे आज अर्थ की एनर्जी थोड़ी सी कम है, बट ओवरऑल बाकी सभी साइन बहुत स्ट्रांग है। स्पेशली अगर वाटर और फायर ज़्यादा हो रीडिंग में, तो आप समझ लें कि आपकी रोमांटिक लाइफ में कुछ बेहतरीन होने वाला है, कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। और यहाँ पर फायर एंड वाटर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर निकल कर आई है वो है पॉजिटिविटी। आपके पर्सन
बहुत ज़्यादा नेगेटिव अगर थे या बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से अगर गुजर रहे थे, तो अभी भी इमोशनल एनर्जी तो है, बिकॉज कलेक्टिव एनर्जी इज़ फाइव ऑफ कप्स, डिटैचमेंट, डिप्रेशन, इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रिगर्स, ये चीज़ें इनको मिल रही हैं। लेकिन आपके पर्सन इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर कि इन चीज़ों से इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। तकलीफ़ ज़रूर हो रही है बिकॉज वी हैव गॉट टेन ऑफ सोर्ड्स, तो इनको तकलीफ़ ज़रूर हो रही है, इनके अपने ही इनको तकलीफ़ दे रहे हैं, इनके अपने ही इन्हें कांटे चुभ हो रहे हैं। बिकॉज देखिए, थर्ड पार्टी की एनर्जी में शाही एनिमल है, जो कि कांटे वाला एनिमल होता है, जो बहुत तकलीफ़ देता है। और यहाँ पर ये जो एनिमल है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि इनके लाइफ में कुछ तो तकलीफ़दायक सिचुएशंस हैं, कुछ तो ऐसी सिचुएशंस हैं जिस वजह से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ यूनाइट होना चाहते हैं, बट मजबूर हैं। लेकिन यहाँ पर बाकी जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे ही प्यार करते हैं, आपके लिए ही इमोशनल हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ लव रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आना चाहते हैं बहुत जल्द। हार्ट की एनर्जी आपको नज़र आ रही है विद सिक्स ऑफ फायर, यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी है, और साथ ही साथ वी हैव गॉट एट ऑफ फायर, मैसेज की एनर्जी है। तो बहुत जल्द आपको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। कुछ साइंस मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा मंकी या क्रो या फ्रूट्स या हार्ट या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ड्रैगन फ्लाई आपको नज़र आए, या फिशेस नज़र आए ड्रीम में, या बहुत ज़्यादा वीडियोस उनके आपको नज़र आए, तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने वाला, किसी तरह की मूवमेंट होने वाली है। इवन हॉर्स, किसी तरह की पॉजिटिविटी आपका वेट कर रही है, और बहुत जल्द आपके लाइफ में वो पॉजिटिविटी दस्तक देने वाली है। कुछ लोगों के लाइफ में ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी से रिलेटेड कनेक्शन बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको पानी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपको नदी दिख रही है, समुद्र दिख रहा है, तो आपके लाइफ में इमोशनल कुछ उतार चढ़ाव ज़रूर आएंगे, लेकिन वो आपको और मज़बूत बनाएंगे और आपके लाइफ में आगे चल के वो कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट ही देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देनी है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और मैसेज है कुछ लोगों के लिए, वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इधर दो तीन दिन से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है आपको किसी से बात नहीं करनी, आपको अकेले रहना है, कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल मतलब आप शांत रह रहे हैं, या तो अकेले आप लेटे हुए हैं, या कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपका उसमें भी ध्यान नहीं लग रहा, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। बिकॉज इनकी एनर्जी बहुत लो है और आप इनको मिरर कर सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं गाइस। अब देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स करंट फीलिंग्स। फर्स्ट जो कार्ड निकल कर आया है वो है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन हैं वो ये सीख रहे हैं कि कैसे माफ़ी मांगी जाती है या कैसे माफ़ किया जाता है। इनको ये चीज़ें, ये जो इनका एक कैसे लेसन लर्न कराया जा रहा है इनको डिवाइन के द्वारा, काफ़ी चीज़ हील करना, काफ़ी चीज़ रिलीज़ करना, ये इस वक्त इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके साथ जो केमिस्ट्री फील करते हैं वो किसी और के साथ फील नहीं करते। यहाँ पर है अनरिक्विटेड लव की एनर्जी, मतलब कि ये इन्हें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तो है, बहुत ज़्यादा आपके साथ केमिस्ट्री तो फील करते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, इन्हें लग रहा है कि क्या आप क्या सोचते होगे इनके बारे में, आप इनको लेकर क्या इन इमेज क्रिएट कर रहे होगे कि ये कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। केमिस्ट्री का कार्ड वापस आ गया है गाइस, आपके साथ बहुत डीप केमिस्ट्री इन्हें फील होती है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन इन्हें फील होता है। करंट फीलिंग्स में मिसिंग एनर्जी निकल कर आ रही है। यू डिज़र्व लव, इन्हें ये भी लगता है कि आप जो प्यार डिज़र्व करते हो इनसे वो ये आपको नहीं दे पा रहे हैं, और आपको ये देना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वर्थ वेटिंग फॉर। आपने जितना भी वेट किया है उसे ये बेकार नहीं जाने देंगे, ये आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लाइफ,
लव लाइफ, डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा हाथ है आपकी लव लाइफ में। आप जो भी वेट कर रहे हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। दिस कुड बी द वन, इन्हें ये चीज़ भी फील हो रही है कि आप ही वो हैं, जो आप ही वो रोमांटिक पार्टनर हैं इनके लाइफ में, जैसा पार्टनर इन्हें चाहिए था, ठीक है। और इन्हें ये फील हो चुका है कि इन्हें वो पार्टनर मिल चुका है। बॉटम ऑफ द डेक है अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, आपके साथ अच्छे मोमेंट्स अपने लाइफ के बिताना चाहते हैं आपके पर्सन। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त आपको लेकर। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। टू मोर कार्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून विद नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बॉटम ऑफ द डेक इज अगेन नाइन, एंडिंग ऑफ अ साइकिल, डबल नाइन की एनर्जी आ गई विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये साइकिल है, कैसी साइकिल, दिस इज़ कर्मा साइकिल एंड दिस इज़ डबल नाइन। कम्प्लीशन होने वाला है एक साइकिल का आपके पर्सन की लाइफ में, समथिंग इज़ गोइंग टू कम्प्लीट वेरी सून। वेरी सून मीन्स वेरी सून, विद इन नाइन डेज, विद इन नाइन आवर्स, विद इन 18 आवर्स, विद इन 27 आवर्स। और मैंने बीच में एक बार वॉर्न किया था कुछ लोगों को कि आपके पर्सन के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, और वो काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट की हैं, और काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया है कि मैम आपने जो जो बोला था वही हुआ। तो उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि हमेशा भगवान आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद एनी रॉन्ग पर्सन, वो आपको बचा लें, ये बहुत अच्छी बात है। सो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड। आप दुखी होते हैं कि मेरे पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा पर्सन मुझे छोड़कर चला गया, बट आपको तो खुश होना चाहिए, है ना। मे बी यू डिज़र्व बेटर, आपकी लाइफ में भगवान ने आपको बचा लिया। मैं हमेशा सिखाती हूँ कि आप इसके लिए परेशान हैं, आपको लग रहा है यही आपका सब कुछ है, भले ये पर्सन आपको वो सब कुछ ना दे पा रहा हो या ना दे पा रहे हो, या वो आपको धोखा दे रहा हो या वो आपको चीट कर रहा हो, बट आपको लगता है मुझे यही चाहिए यही चाहिए, बट भगवान आपको इससे बेटर देना चाहते हैं, राइट। तो ये समझने की कोशिश किया कीजिए, आप हमेशा सही नहीं हो सकते, भगवान जो आपके लिए करेंगे वो मच बेटर होगा। तो ऑलवेज सरेंडर टू डिवाइन, जो आपके लिए होगा वो बेस्ट होगा, हमेशा फेथ रखें। नाइन नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आने वाले नाइन आवर्स और आने वाले 18 आवर्स, आने वाले 27 आवर्स काफ़ी लोगों के लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आने वाले हैं। पॉजिटिव चेंज है ये, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखते हैं आज के दिन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। Releasing soul patterns, contract and past lives. बहुत सारे लोगों के लाइफ से कर्मा रिलीज हो रहा है और होगा, ये past life के कर्माज हैं जो रिलीज़ हो रहे हैं। Creating heaven on earth, it's happening. आप में से बहुत सारे लोग एक न्यू अर्थ को बर्थ दे रहे हैं, एक न्यू अर्थ को क्रिएट करने की कोशिश में हेल्प कर रहे हैं। What is not aligned or need to change? कुछ चीज़ें आपके लाइफ में सही नहीं हैं, आपको क्या चेंजेस लेकर आने हैं, उन चेंजेस पर वर्कआउट कीजिए। और लास्ट मैसेज है, यू गो फर्स्ट द यूनिवर्स विल कैच यू। आप चलिए, आप डिवाइन पाथ पर जैसे ही चलेंगे यूनिवर्स आपको कैच कर लेगा, यूनिवर्स आपकी एनर्जीज को कैच कर लेगा। एक और मैसेज है, वेट पोस्टपोन, पॉज से नो। कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, या कुछ चीज़ों को, कोई डिसीजंस को लेने वाले हैं रिसेंटली एक दो दिन के अंदर, तो थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिए। ये मैसेज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा पोस्टपोन, सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। ये कुछ लोगों के लिए मैसेजेस है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कोई डिसीजन लेने वाले हैं आज या कल में। सो ये एनर्जी है गाइस। सो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको गाइडेंस मिली हो, रीडिंग पसंद आई हो। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।